मंगला गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु आज का दिन भारत के इतिहास में उत्तराखंड के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज ही के दिन 2 अक्टूबर को इस देश में 2 ऐसे महान सपूतों को जन्म दिया जो भारतीय लोकतंत्र में भारतीय समाज में आदर्श प्रेरणा स्वरूप के रूप में हमेशा जिंदा रहेंगे, जिन्होंने अहिंसात्मक तरीके से जिनके लिए कहा जाता था महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है, उनके इस जयंती पर मैं अपनी ओर से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आज का दिन उत्तराखंड के इतिहास में भी एक महत्वपूर्ण हो, यत्र नारस्य पूजन्ते रमन्ते तत्र देवा, उसी देश की धरती पर मुजफ्फरनगर जैसा विभत्स कांड होता है, उन शहीदों को भी हम इस अवसर पर नमन करना चाहते हैं जो ये कह के चले थे कि मैं चला तो क्या चला बिन कफन साथियों, हिफाजत करना तुम मेरी उत्तराखंड की साथियों, हिफाजत करना तुम मेरी उत्तराखंड की साथियों। स्वतंत्र भारत का उत्तराखंड राज्य आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जो अहिंसात्मक तरीके से गांधीवादी तरीके से आगे बढ़ रहा था, जो एक ही मांग लेकर के आगे चले थे कि हमें न अंतर्द्वंद चाहिए न भारत राष्ट्रखंड चाहिए, क्योंकि हम शुरू से ही राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग रहे हैं। चाहे स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन रहा हो, कौन भूल सकता है भीम चंद्र सिंह गढ़वाली के उस योगदान को जिन्होंने अंग्रेजी सेना में रहते हुए अंग्रेजी शासन के खिलाफ बगावत का बिगुल बजाकर निर्दोष भारतीयों पे गोली चलाने से साफ इनकार कर दिया था। हमारी नसों में विक्टर आक्रोश गबर सिंह धर्माचर जसवंत सिंह का खून बहता है, गौतम परम वीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा इसी उत्तराखंड कुमाऊं रेजिमेंट की देन है। चाहे 1962 का इतना हो, 65 का इतना हो, 71 का हो, और भारत स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री का जन्म दिवस, तो हम लोगों ने सपने जो है अपने दोनों महापुरुषों को उनकी जयंती पर उनके कोटि कोटि नमन किया, सदा समर्पित की। और आज ही के दिन 2 अक्टूबर 1994 को उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी जो अपनी आवाज़ लेकर के हमें नामकर बोलना चाहिए ना चाहिए, हमें तो सिर्फ उत्तराखंड चाहिए, भारत राष्ट्र चाहिए, इस नारे को लेकर के दिल्ली जा रहे थे। तो रामपुर किराए पे उस समय तत्कालीन उत्तर प्रदेश की सरकार ने उस बेड़े को रोका था और वहाँ पे एक जघन्य घटना हुई थी जिसमें हमारी मातृशक्ति के साथ अमान्य घटना हुई। और आज तक 26 साल हो गए शहीदों के हत्यारों को अभी सजा नहीं मिल पाई, तो उनको भी हम 2 अक्टूबर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हर साल कहीं जहाँ भी हम रहते हैं वहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो मुख्यतः
एक श्रद्धांजलि सभा भी थी, और तीसरा जो हमारा मुख्य उद्देश्य था कि हमारे यहाँ जो वर्तमान में डबल इंजन उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार और केरल में बीजेपी की सरकार, उसके बावजूद भी हमारे क्षेत्र की समस्याएं जूझ की थी बनी। इन्होंने कहा था कि भाई डबल इंजन की सरकार होगी तो हम इसी काम करेंगे, और आपने देखा होगा कि हमने लगातार प्रदर्शन किए, धरना दिए, लोगों ने ज्ञापन दिए, उसके बावजूद भी पहली और दूसरी सरकार की आँखें नहीं खुल रही हैं, उनके कानून में जूझ नहीं रहेंगे। हमने जो है उनके बुद्धि सिद्धि यज्ञ के लिए, क्योंकि राइट टू रिकॉल तो है नहीं कि हम उनको परिचित कर सके, उनके हटा सके, और क्योंकि 1.5 साल उनका कार्यकाल, तो हमने भगवान बद्री विशाल से और यहाँ के तमाम जो हमारे इष्ट देव हैं उनसे प्रार्थना की है कि भाई उनको सदबुद्धि दे, और ये जो 1.5 साल उनके पास बचा है, जो यहाँ की मुख्य समस्या है उनको निराकरण उनका वो करें, इसलिए हमने यहाँ की जनता भी बुद्धि से लिए का आयोजित किया। सर अब 2022 नज़दीक ही है, तो क्या आगे भी इसी प्रकार पार्टी अपने बच्चों को आगे करते रहेंगे? देखो इस समय तो चुनाव है नहीं, इस समय तो हम लगातार, उससे पहले भी हमने दिसंबर में यहाँ पे बड़ा जन समर्थन जनाक्रोश है। हमारा उद्देश्य है लोगों को जागरूक करना, लोगों को सबसे पहले बात समझ में आनी चाहिए कि जो हम टैक्स दे रहे हैं उसी से सरकार जो है विकास काम करती है, ये सरकार का पैसा नहीं है, ये सब हमारा पैसा है। हमें जनता को जागरूक करना है कि तुम्हारे पैसों का किस प्रकार दुरुपयोग है। आपने ही दिखाया था कि किस प्रकार धुमाके बरसात के मौसम पर डामरीकरण होता है, तो वो सीधा सीधा सरकारी बजट को ठिकाने लगा है। अब जैसे NH21 की बात है, NH21 में टेंडर हो चुके हैं, उसके बावजूद पैसे लगा करके लाखों रुपये डकाने की कोशिश की। सर एक कॉलेज हमारे बड़ी मुश्किल से इन्हीं सब समस्याओं को लेकर हमने यहाँ पर उनकी बुद्धि सिद्धि यज्ञ की। यहाँ पे आपने देखा होगा कि जितनी खाल में जो है पॉलिटेक्निक की घोषणा हो चुकी है, अभी तक क्लासेस नहीं सुन रहे, जितनी खाल का आईटीआई भी बंद होने की कगार है, और यहाँ भी आप देख ही रहे हो कि जितने रोडे जन राव जी के कार्यकाल उससे एक भी नई रोड पर कोई काम नहीं, जो काम इनके कार्यकाल में हुए थे वो काम भी अगर जो अधूरे छूटे थे अगर वो भी पूर्ण हो जाते तो तब भी यहाँ के लोग संतुष्ट करते, और इन्हीं सब समस्याओं को देख करके हमने अपने बुद्धि सिद्धि यज्ञ का आयोजन किया कि हे भगवान इस सरकार को और जीत के विधायक को सदबुद्धि दे, जो इनके पास जो 1.5 साल का समय बचा हुआ है इसमें इस क्षेत्र के काम कर सकते हैं। तो एक है हमारे साथ वरिष्ठ कार्यकर्ता मेरे भाई जिन्होंने तो पूरी बात यहाँ पे बताई, और किस प्रकार यहाँ पे सरकार चला रही है, तो आइए यहाँ पे एक संवेदन करना और जैस पर भाई जैसे कि आपको पता होगा और आपको स्वयं टीवी चैनल के माध्यम से बराबर पता है, तमाम समस्याएं चाहे शिक्षा से और आपके स्वास्थ्य से यानी आपकी रोजगारी है, तमाम समस्याएं हैं, और हमने एक प्रयास यहाँ पर सरकार को जताने का किया कि आज जिस हिसाब है बेरोजगारी है या तमाम जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं उन समस्याओं को सरकार इस यज्ञ के माध्यम से सरकार उन समस्याओं को सुने और उन समस्याओं के समाधान का प्रयास आइए यहाँ पे पूर्व सांसद और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, देखिए ऐसे कार्यक्रम सरकार को शासन को जगाने के लिए मैं समझता हूँ कि होने चाहिए, और ये कार्यक्रम किसी प्रत्यक्ष में यहाँ पर आयोजित किया गया और इसके क्षेत्रीय जनता ने बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया, क्योंकि यहाँ पर जागरूकता लोगों में तो है लेकिन शासन प्रशासन ने जिस तरह से हमारे क्षेत्र को विकास के कार्य में लाती है इससे हम दुखी हैं, और उनको जगाने के लिए कार्यक्रम किया गया। ये मैं समझता हूँ कि ये ज़रूर शासन प्रशासन तक जो है वो जनता की आवाज़ पहुंचाएगा, और शासन प्रशासन जो है वो यहाँ के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयासरत रहेगा, ऐसे मुझे लगता है। कोरोना काल में सर बहुत से लड़कों की नौकरी चले गई, चाहे होटेलर भाई हो चाहे और गांव के और लौटे थे जी, बस प्लान जी, लेकिन सरकार ने मौका हाथ से लगा दिया, तो किसने आकर भाई यही ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि जब यहाँ पर कोरोना के कारण हमारे बच्चे जो हैं वो
अपने घरों लौटे थे और एक आश्चर्य की चीज़ सरकार जो है इन सब बच्चों के लिए रोजगार का प्रबंध करेगी और पहाड़ एक बार फिर से गुंजायमान होंगे, क्योंकि यहाँ मैं समझता हूँ कि गांव के गांव जो हैं वो खाली हो गए हैं और इस जो उत्तराखंड हमारा प्राकृतिक दृष्टि देवभूमि है और प्राकृतिक दृष्टि बहुत पर्यटन का बहुत अच्छा ये संसार में एक स्थान है। तो हमें आशा जगी थी कि इन बच्चों को रोजगार देना के लिए सरकार जो है वो कुछ ना कुछ साधन जरूर से जुटाएगी, लेकिन ठीक उसके विपरीत हुआ। हम चाहते थे कि इसी तरह हमारे गांव पूर्व की भांति गुलजार हों, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता, यहाँ की भाषा, यहाँ के रीति रिवाज जो है वो कायम रहे, लेकिन अगर सरकार ने इसमें बड़ी उदासीनता दिखाई और फिर ढाके पर वही तीन पार सब लोग जो हैं जो थोड़ा सामान्य भी और सब यहाँ से प्लान कर रहे हैं, ये बड़ा भारी दुर्भाग्य है और इसको रोकने के लिए ये सरकार ने मौका गंवा दिया कि बड़ा अच्छा मौका था कि ये अगर सरकार व्यवस्था करती तो यहाँ पर प्लान रुकता और एक बार हमारा उत्तराखंड जो है पहाड़ जो है एक बार फिर गुंजायमान होता और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता, लेकिन इससे सरकार के ये थे बड़े सामाजिक कार्यकर्ता और उन्होंने पार्टियों में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, इस क्षेत्र उत्तराखंड के निर्माण में कई उन्होंने उतार चढ़ाव देखे हैं। ये थे हमारे साथ जी जी, उन्होंने अपनी बात से हमारे वॉइस ऑफ माउंटेन पर रखी। आइए यहाँ पे पूर्व शासन नेता भाई सोनराजे हैं, तो सोनराजे जी इस कार्यक्रम को देखिए तो बात से बहुत हो गई, लेकिन आगे क्या करें। देखिए सर, ये है कि वर्तमान जो धुमाकुर क्षेत्र है तहसील क्षेत्र है, वो बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा है। सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा हो चाहे रोजगार की बात हो, युवा जो इधर आए हैं उन्हें रोजगार अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। धुमाकुर क्षेत्र की बात करें हम, तहसील की हालत देख लीजिए, प्रमाण पत्र एक एक महीने में अवेलेबल होते हैं। तहसील की मनीष अभी भी मुझे लगता है कि प्राथमिक उपचार तक अभी जिसमें ऑक्सीजन वगैरह जो प्राथमिक जुटे करते हैं, जो प्राथमिक उपचार मरीज को दिया जाता है वो भी उपस्थित नहीं है। हमें इस क्षेत्र के लेकर बड़ी पीड़ा है कि कब इस क्षेत्र की सुधरी जाएगी और जब ऐसे जनप्रतिनिधि हमारे बीच में आएंगे जिनको केवल और केवल अपने राजनीति से मतलब है, केवल और केवल क्षेत्र के एक नाम से मतलब है, वास्तव जो हकीकत है यहाँ पर जमीन में जो हकीकत है वो बहुत परेशान है। शिक्षा से लेकर हमारे राजकीय महाविद्यालय नैनडाल पटोटे में वहाँ पर रोजगार परक के नाम से वो महाविद्यालय खुला था, वहाँ पर अध्यक्ष हैं हमारे बड़े भाई अजय कुमार जी, उन्होंने सालों से मेहनत की, हम लोग वहाँ पर अध्यक्ष रहे, आज भी वहाँ के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि वहाँ जो बी एड है बैचलर ऑफ एजुकेशन है उसकी क्लासेज बंद की जा रही है। क्यों बंद की जा रही है? हमारा क्षेत्र भाई गरीब बच्चे हैं, हम बोलते जनगढ़ लिम्बल भाई बहना चिल्लू रॉड खाए को पढ़ना चाहिए। आज हम लोगों ने खुद, मैंने वहाँ से बी एड किया और हमने ऐसे ही अपने दिहाड़ी मजदूरी करके वहाँ फीस भरी। सरकार यहाँ कार्यालय खोलने के बजाय, यहाँ सब कोर्स खोलने के बजाय बंद कर रही है। हमारा PWD ऑफिस देख लीजिए अदालत काल से, वो देहरादून शिफ्ट हो गया। हमारा विद्युत विभाग दीजिए, वो उसका निजीकरण हो गया। भाई कैसे लोगों को रोजगार मिलेगा? तो सबसे बड़ी समस्या है रोजगार की और सबसे बड़ी समस्या की शिक्षा और सड़कों की हालत देख लीजिए। भाई आप चालान तो काट रहे हैं लेकिन सड़क की जो व्यवस्था है, सड़क की जो स्थिति वो कौन सही करेगा? तो ये वर्तमान के तो ये थे बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं सोनराजा, और जो सड़कों से लेकर और बड़े बड़े मंचों तक अपने बात उठाते हैं, जनता की बात उठाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो आइए यहाँ पे मैं सुनते हैं क्योंकि हमारे साथ बहुत ही बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं और आज का स्वागत करेंगे सर। आज जो कार्यक्रम चाहिए वो उत्तराखंडम जो 2 अक्टूबर 1994 में जो मुजफ्फरनगर दिल्ली जाना जो मुजफ्फरनगर में हमारा लोग उदगर विभत्स कांड आई और हमारा महिलाओं उदगर बलात्कार और तमाम करे गए आत्माखंड शांतिकरण हर वर्ष 2 अक्टूबर अखंड उत्तराखंड एक जनता काला दिवस रूप मनांद और वे दगर दगर जबकि आज महात्मा अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी जन्मदिन और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री भी जन्मदिन, लेकिन वे एक बाद उत्तराखंड की जनता पिछला 26 सालों बटे ये था काला दिवस रूप इला मनांदे के उत्तराखंड का लोग भी अहिंसा का पुजारी थी। हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से पहाड़ों बटे दिल्ली जाना चाहे और आज दो अभी दो उत्तराखंड राज्य दो मांग दगड़ खुशहाली राज्य जी हमारे राज्य हमारे विकास वालू, लेकिन आज पिछले 26 साल बटे हम लोग तमाम समय समय पर आंदोलन कर दो और ये दिवस तकाला रूप अमृत दिन मना दो और वे दगड़ दगड़ आज उत्तराखंड और देश एक ही सरकार
वो सरकार थे भारतीय जनता पार्टी सरकार। और भारतीय जनता पार्टी सरकार में आप देखना होगा कि बड़े स्तर पर देखला तो वह तमाम तरह लूट और बेचना जो कारोबार से वो फलीभूत हुआ। पहले लेवल पर देखला तो यह उत्तराखंड में जब नशा नहीं रोजगार दो आंदोलन यह भटेकर पूरे देश में गई वो कि आज सतपुली में आज हमारे ये चंपावत में और हमारे देव प्रयाग बराबर लगी है ना। तो वे एक दगर दगर आप देखना वाला कि सड़कों की स्थिति क्या है, सड़कों की स्थिति बिल्कुल याद कि भी नहीं लगे कि भारत देश का जो सड़क मंत्री थे वो गडकरी थे तीला खड्डा करी हुई थी पूरा प्रदेश हम खड्डा हुआ थी इन पता नहीं चलो कि सड़क हम रोड जानी थी या रोड हम सड़क जानी थी। तो हमारे आज जो चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी सरकार भी विरोध चाहिए वो एक बुद्धि शुद्धि खेल भी यज्ञ चाहिए और उत्तराखंड जो 2 अक्टूबर 1994 में जो कांड हुआ चाहिए वो एक पुण्यतिथि हम लोग हर साल ये रूप में मनाते अलग अलग स्थानों पर पूर्व प्रदेश वे उनका यज्ञ करे जल्दी उनका आत्मक शांतिकरण वो करे जान और सरकार उसे समय समय पर क्योंकि हम न्यायपालिका विश्वास कर दो न्यायपालिका वाले देश तो हमारे ये हो कि हम लोग तो न्याय मिला लो उत्तराखंड जनता की न्याय मिला लो और हम लोग अपने स्तर से ये दिवस का काला रूप मना दो और उत्तराखंड का शहीद होते ही आत्मा की शांतिकरण हवन भी कर। तो ये थे हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता और जो इस क्षेत्र का ज्ञान ध्यान रखते हैं, इस क्षेत्र में कई मंचों से उन्होंने आंदोलन किए, इस क्षेत्र को जगाया उन्होंने। तो बड़े भाई छोटे भाई यहाँ पे मनीष सुंदरियाल जी की आपने बात सुनी वॉइस ऑफ माउंटेन पे। तो दोस्तों इसी प्रकार हम जमीनी हकीकत के धरातल के समाचारों को दिखाने के लिए बातें हैं और नई जगह पर नई पर्सनैलिटी के साथ फिर मिलेंगे। मैं अपने कैमरामैन वीडियो जर्नलिस्ट सोहन रजा के साथ कुमारकोट नैंडा। जय उत्तराखंड। आप देखना छो पहाड़ों की आवाज, गांव की आवाज, घर घर की आवाज, पहाड़ों की सच्ची खबर देखना को हम प्रतिबद्ध छो। एक आवाज था आपको सहयोग जरूरी छे। आप चैनल थी सब्सक्राइब करा, शेयर करा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिख, अपन ध्यान रखा और उत्तराखंड को अन्य खबरों का देखना खड़ा है हमारे वेबसाइट www.voiceofmountains.com पर देखा। धन्यवाद। आने वाला दिनों ते से की संभाल लिया ए जावा